बेंगलुरु में ग्लोबल पब्लिक स्कूल की उम्दा पहल, बच्चों को मुस्तकबिल का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बनाने का अज्म। जी हां दोस्तों, अब्दुल रहीम की कयादत में ग्लोबल पब्लिक स्कूल ने पढ़ाई के साथ एक ऐसा निजाम तरतीब दिया है कि बच्चों को स्कूल और हाई स्कूल से ही सियासी नॉलेज, पॉलिटिकल नॉलेज दिया जाता है। यहां हर साल स्कूल काउंसिल इलेक्शन मुनक़द किया जाता है। ये इलेक्शन एमएलए एमपीज इलेक्शन के तर्ज पर होता है। बच्चों में अलग अलग सियासी पार्टियां बनाई जाती हैं। आपसी राय मशवरे के बाद हर पार्टी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार मुंतखब करती है। हर पार्टी से सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं। स्कूल के टीचर्स, पेरेंट्स और तमाम स्टूडेंट्स को वोट का हक दिया जाता है। तमाम वोटर्स बैलेट पेपर्स पर मौजूद अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए वोट देते हैं। वोटिंग से पहले ये तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी पार्टियों का खूब प्रचार करते हैं। हम वालिदैन की कदर करेंगे, टीचर्स की इज्जत करेंगे, स्कूल में तालीमी निजाम को बेहतर बनाएंगे, स्टूडेंट्स के मसाइल को हल करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट गरीब है तो उसकी मदद करेंगे, क्लासरूम्स में अच्छा माहौल कायम करेंगे, स्पोर्ट्स कल्चरल मुकाबले मुनक़द करेंगे। इस तरह के कई वादों के साथ मुख्तलिफ पार्टियों के कैंडिडेट्स अपना प्रचार करते हैं। हर कैंडिडेट को निशान और नंबर दिया जाता है। एक जानिब लड़कों की टीम तो दूसरी तरफ लड़कियों की टीम भी अलहिदा तौर पर इलेक्शन लड़ती है। दसवीं जमात के स्टूडेंट को प्रेसिडेंट के तौर पर चुना जाता है, जबकि नाइन्थ जमात के स्टूडेंट को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुना जाता है। और हर क्लास के लिए चीफ मिनिस्टर्स मुंतखब किए जाते हैं। यौम आज़ादी 15 अगस्त के मौके पर मुंतखब होने वाले तमाम स्टूडेंट्स कैबिनेट के तौर पर अपना हलफ लेते हैं, ओथ लेते हैं और अपना ओहदा संभालते हैं। ग्लोबल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल रहीम कहते हैं कि इस पूरी कोशिश का मकसद आज के बच्चों को मुस्तकबिल के लीडर्स बनाना है। हालांकि ये बच्चे वोटर्स नहीं हैं, 18 साल के बाद इन्हें वोटिंग का हक हासिल होगा। जब ये 18 साल के हो जाएं, तो इस काबिल बनें कि वोट की अहमियत को जानें, सही उम्मीदवार को मुंतखब करें, मुल्क के सियासी निजाम, इंतजामिया, अदलिया को समझें। इस मकसद को सामने रखते हुए हर साल ग्लोबल पब्लिक स्कूल बच्चों के लिए इलेक्शंस का अहतमाम करती है। बच्चों के शायर डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी क्या खूब बात कहते हैं, हालात की तस्वीर बदल सकते हैं, हर ख्वाब की ताबीर बदल सकते हैं, हालात की तस्वीर बदल सकते हैं, हर ख्वाब की ताबीर बदल सकते हैं। बच्चे अगर बाशऊर हों, बासलाहियत, रोशन ख्याल, रोशन ज़मीर हों, तो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। पिछले साल की तरह इस बार भी जो है बड़े पैमाने पर इलेक्शंस हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, जिस तरह एमएलए के एमपी के इलेक्शंस होते हैं उसी तर्ज पर यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। क्या कह रहे हैं आप, किस तरह इसका इस इलेक्शन को तरतीब दिया गया है? सर अस्सलाम वालेकुम, मैं चेयरमैन एंड फाउंडर और सेक्रेटरी ऑफ ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सो अब्दुल रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कॉन्सेप्ट, जो इलेक्शंस का हमें कॉन्सेप्ट करें, ये आपको ऐसा है कि भाई हमें बच्चों को जो किताब में उन्होंने पढ़ती, जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ती डेमोक्रेसी के बारे में, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, अब उसमें असेंबली का तो क्या, अब एमपी का तो क्या, अब पार्लियामेंट में ये करो कैसा, फिर एमएलए का तो क्या, यानी कि विधानसभा से क्या होता है, तो ये सब हमें सिखाने के वास्ते हमें बच्चों को क्या करें, द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव प्लान आउट इन ग्लोबल स्कूल। सो अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द क्लास वाइज बच्चे जो हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, फिर उसके बाद पूरी स्कूल से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो सेलेक्ट करें वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उसमें भी जो है 10th के बच्चों को हमें
उन्होंने जो है अपने एग्जाम्स पर भी फोकस करना और लीडरशिप भी क्वालिटी सीखने के लिए हमें क्या करें, उनको प्रेसिडेंट का रोल देखें और प्रेसिडेंट को वोटिंग करती हमारे टीचर्स, प्राइम मिनिस्टर को वोटिंग करती हमारे पूरे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट और हमारे वेलविशर्स जो भी ये हैं स्कूल से रिलेटेड रखें, उनका जो हमना आधार कार्ड दिखा रहे और स्कूल से रिलेटेड है, अगर हमने ये करें तो अलहमदुल्ला उनको भी वोटिंग राइट्स हमें देते हैं। तो अलहमदुल्ला इट इज रियली गुड, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट में इट इज अ लर्निंग टू एवरीबडी। क्या बोले तो स्टूडेंट्स अपने आप को जो है लर्निंग इजी करने में, उनको बच्चों को इलेक्शन का तो क्या, अब इसमें भी हमें क्या करें, बच्चों को केएस ऑफिसर बने या आईएएस ऑफिसर बने, या तुम्हें नेक्स्ट लेवल का पढ़े तो तुम्हें क्या बनती, केएस ऑफिसर बने तो तुम्हें आरओ बन सकती, बीएलओ बन सकती, फिर तुम्हें आईएएस करे तो तुम्हें इलेक्शन कमीशन बन सकती। ऐसा हमें बच्चों को ट्रेन कर रही, जितना अच्छा तुम्हें पढ़ती वो लेवल तक तुम्हारी एक तुम्हारा पोस्टिंग होता है, तुम्हें जो है वो इसमें जा सकती है, बच्चों को एक लेवल दिखा रही। ऐसा हमारे स्टूडेंट्स को, और कई बच्चे जो बच्चे माँ बाप के सामने भी मुंह नहीं खोलते थे, यानी कि हमारे टीचर्स के सामने भी कभी जो है देवर स्लो, लेकिन दे कुड नॉट ओपन देयर माउथ, बट अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन कॉन्सेप्ट वो स्टूडेंट्स जो लास्ट बेंच में बैठते थे या पीछे बोलने से स्टेज फियर था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चे आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छी बेहतरीन अंदाज से बोल रही है, समझाने का एक्सप्लेनेशन, द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, एवरीथिंग इज रियली सुपर्ब टू जस्ट। हमें क्या चाह रही है कि भाई हमें लीडर्स को चुनना चाह रही, लीडरशिप बिल्ड करना चाह रही, तो लीडरशिप बिल्ड करने के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ये कर रही। एक तो हमें क्या चाह रही कि भाई एक इलेक्शन में यानी कि वोटिंग का कितना राइट्स है, वोटिंग इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और देखो कई बड़े बड़े कंट्रीज में तुम्हें देखते हैं, अमेरिका में या कनाडा में या और कई बहुत सारे कंट्रीज में ही देखो सिटीजनशिप मिल जाते हैं लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडिया में हमें रियली वी हैव टू, हमें जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा होकर जो हिंदुस्तान में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रियली आई अप्रिशिएट बिकॉज रियली सुपर्ब, हर कम्युनिटी के हर आदमी को जो है हर सिटीजन को दे हैव द राइट्स। सो वो हमें स्टूडेंट्स को बताना चाह रही कि भाई बेशक यहाँ जो है तुम्हें अगर से वोटिंग जैसा बहुत साल पहले यानी कि 1968 1965 ऐसा सभी जो 1965 1968 में सभी 21 ईयर्स को जो है राइट्स था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ, फिर अमेंडमेंट करे, अमेंडमेंट करने के बाद फिर उसके बाद 1971 से की क्या हुआ 18 ईयर से यानी कि वोटिंग राइट्स शुरू हुआ। तो इसी तरह हमें भी अब आगे भी जाकर हो सकता है 16 ईयर्स को भी हो सकता है, तो ये हमें मान नहीं, ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे जो है वोटिंग के लिए तैयार हैं। ये वोटिंग करने का मकसद है कि भाई कल जब इनका वोटिंग राइट्स आता है वो टेम्पो इनका वोट जाया नहीं करना, और 100% वोट जो है जाया नहीं होता उसकी गारंटी क्या करके बोले तो बिकॉज यहां जो है इन ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो गए, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस इलेक्शन। सो वी स्टार्टेड आवर स्कूल इन 2009, ऑलमोस्ट 15 इयर्स के करीब हो रहा है, तो इसमें 3 साल हमारे बच्चे हाई स्कूल को आए तक, 3-4 साल अगर से हम इसमें माइनस भी करें तो ऑलमोस्ट 11 इयर्स से हमारा कंटिन्यूस हमारा ये जो है इलेक्शन कॉन्सेप्ट चल रहा है एवरी ईयर। अब जो है हमारे इसमें जो है 5 साल को होता है इलेक्शन, लेकिन हमारे ग्लोबल स्कूल में एवरी ईयर होता है, ताकि भाई हमें एवरी ईयर लीडर्स को सेलेक्ट करना, उनको जो है नेक्स्ट लेवल में, उनको जो है कॉलेज में भी गए तो भी जो है लीडरशिप क्वालिटीज बाकी रहना। जैसा मैं कल भी बताया कि भाई हमारे देवेगौड़ा जी जो है जब उन्होंने स्कूल लेवल में थे तो वहां से उन्होंने जो है अपने आप को लीडरशिप स्टार्ट करा, ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए, फिर उसके बाद कॉलेज में गए वहां लीडर बने, फिर उसके बाद फार्मर्स में गए वहां लीडर बने, फिर कौन सा भी एक ऐसे ये है तो वहां लीडर बनकर उनका टैलेंट दिखाए। तो ऐसा हमारे बच्चों को भी हमें इनका टैलेंट दिखा को लास्ट में क्या हुए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे कर्नाटक से। ऐसा इसी तरह हमें भी हमारे ग्लोबल स्कूल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बनाना चाह रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाना चाह रही, जैसा एपीजे अब्दुल कलाम, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर जैसा सिद्धरामैया जी ही। ऐसा हमें अब भी उनको रोल मॉडल्स बनाकर हम इनको बता रहे ये कॉन्सेप्ट क्या कर बोल को। तो यहां इलेक्शन के जरिए से बच्चों को जो है बीएलओ का तो क्या, आरओ का तो क्या, ए आरओ का तो क्या, प्रेसिडिंग ऑफिसर्स का तो क्या, इलेक्शन कमीशन का तो क्या, ये सब लर्निंग हो रहा है यहाँ। बट डेमोक्रेसी का तो क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का तो क्या, ये सब जो है रियली ये क्या होता है प्रैक्टिकल करके करने से क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट्स ए पार्ट ऑफ करिकुलम। बच्चों को जो है क्या है, हमें जो इंटरनल मार्क्स देने का रहता है, जो ये करके एक्सटर्नल मार्क्स इंटरनल मार्क्स जो ये रहता है, तो ये मार्क्स में भी हमें क्या करती है एक्टिविटी एड करके उनको बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स देती। तो रियली इट इज रियली, एक तो बच्चे एंजॉय कर रही, तो मैं देख सकती हैं बच्चे बहुत मजा कर रही,
और बच्चों के अंदर बोलना आ गया, यानी कि बात करने का कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो गए। फिर हमारे पेरेंट्स रियली ऐसा है, बच्चों के सामने बच्चे बनको उन्होंने भी जो है एक वोटिंग के वास्ते आपको जो है उनके बच्चों की खुशी के वास्ते आपको दे हैव कम हियर एंड दे आर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स। कई पेरेंट्स मुझे, कल भी हमारा इलेक्शन था, जैसा हमारे पूरे इंडिया के अंदर इतने सेशंस ऑफ इलेक्शन, इतना फेज फर्स्ट फेज सेकंड फेज करके हुआ, ऐसा हमारे ग्लोबल स्कूल के अंदर भी 5 ब्रांच है हमें। कल एक मेन ब्रांच में बापूजी नगर में हुआ, आज जेजेएलडी में हो रहा है, तो परसों रिसेंट हमारा जो है हमारी विजयनगर ब्रांच में हुआ, अब नेक्स्ट हमारा जो है चामराजपेट ब्रांच में भी होता है, फिर शिवाजी नगर ब्रांच में भी इलेक्शंस होते हैं। ऐसा हमें क्या करें, 5 हिस्से में बांट को जो है इलेक्शंस को डिवाइड करको, हमें आज हम ये करको उसके बाद काउंटिंग करको उसके वोट का इंतजाम किया है रहीम सर ने, क्या माशाल्लाह। आइंदा जाओ बच्चा के वास्ते बहुत, जनरल के वास्ते बहुत अच्छा है, क्या गलत रास्ते पर नहीं चलते, बहुत अच्छे रास्ते पर चलती है इंशाल्लाह। ग्लोबल स्कूल का नाम तो बहुत सुना है, इलेक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बच्चों को फ्यूचर में जो है ये एक आइडिया मिल सकता है कि हमें कैसा वोट, किसे सिलेक्शन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस कौन अच्छा है कौन बुरा, यानी उनके ख्यालात को जो है वो एक उनको आइडिया मिल सकता है। आइंदा चल को उन्होंने भी जो है जब वोट डालना का जब उनका वक्त आता है, टाइम आता है, जब उनको जो है उनका एज जो है मेच्योर होकर उन्होंने जब वोट डालने आती है तो उनके दिमाग में भी ये बात आ सकती है कि हमें किसे चुनना किसे नहीं चुनना। ये तो हमारी जो है आइंदा चल को जो है हमारा जो ये इलेक्शन के जरिए से जो हमें जो कैंडिडेट को चुनती वो हमारे मुस्तकबिल के वास्ते क्या कर सकते हैं गल्ले को, उसका एक आइडिया मिल सकता है इंशाल्लाह। अच्छा है, बच्चे के लिए भी एक नया सीखने को भी मिलता है और नया करने को भी मिलता है, और ये एक ऑप्शन ना बच्चों को आने वाले दिनों में आपको वोट दूसरे को भी, अगर एमएलए इलेक्शन भी हो रहा करके बोला तो उधर भी एक ऑप्शन मिलते हैं इनको, सोच समझ कर वोट दे सकते हैं। स्टूडेंट्स रहे होंगे, क्या आपके दौर में भी इस तरह का इलेक्शन हुआ है? हमारा ये बच्चों का पहली मरतबा देख रहा हूँ, माशाल्लाह अच्छा है ये, इन फ्यूचर बच्चों को अब से एक ट्रेनिंग होती है, फ्यूचर में भी बच्चों को हेल्प होता कि नेक्स्ट पॉलिटिशियन में क्या है, हमारे कौन पीछे है, अब से कर रहे हैं बेटर देन पॉलिटिक्स में पीछे है, हमारे कौम अक्सर पीछे है पॉलिटिशियन में, अब ये बच्चों को अब से ले लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इन फ्यूचर हमारे कौम आगे बढ़ती, कि क्या वोट का क्या ये है बच्चों को मालूम होता तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनके पेरेंट्स को ये करती प्रेफर कर सकती कि जाकर वोट डालो, एक वोट का क्या ये है, एक वैल्यू मालूम होती, वोट की अहमियत मालूम होती बच्चों को भी। ये मुल्क जो है डेमोक्रेसी है, जमहूरियत यहाँ पर है, तो यहाँ पर वोट की काफी अहमियत होती है, तो बच्चों को इसका शऊर देना जरूरी है। हाँ, बच्चों को शऊर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है अभी यहाँ पे स्कूल में करने से मालूम होता है कि जो किस तरह से वो फ्यूचर में अपने वो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह अभी उनके स्कूल में सेलेक्ट कर रहे हैं कि फलां को वोट दे तो अच्छा रहता करके, इनको मालूम पड़ता है कि जो है आइंदा हमारे जो मुल्क के जो मुस्तकबिल है उसमें हम लोग जो कैसा हिस्सा लें और सोच समझ कर हिस्सा लें और इसको जो दूसरों को भी इसकी तरगीब दें ताकि जो हमारा मुल्क फ्यूचर में जो बेहतर बने, इसके लिए एक मोटिवेशन है। अच्छा है, ठीक है, इस तरह के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? नहीं, ये दूसरी मरतबा स्कूल में मैं हिस्सा ले रहा हूँ, लास्ट ईयर भी यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट हुआ था जो स्टूडेंट सिलेक्शन, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्लोबल पब्लिक स्कूल में, ये स्टूडेंट्स के लिए एक फाउंडेशन है फ्यूचर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए एक अच्छा यह है, लोग बच्चे अच्छा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इधर, बहुत खुशी लगी। सो ग्लोबल स्कूल कुछ तरक्की कर रहा है यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फाउंडेशन है यहाँ पे दिखा रहे हैं लोग किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट होता है, किस तरह से वोटिंग होता है और सिस्टम क्या है, ये सब फेस टू फेस दे आर प्रोवाइडिंग है, गुड टू सी देम। सो यहाँ पे अच्छा खुशी की बात है, यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में जो हमारे बेटी भी पार्टिसिपेशन, मतलब वो पार्टी का प्रेसिडेंट है, सो आई केम हियर टू वोट फॉर देम, थैंक यू वेरी मच। क्या फायदे क्या हो सकते हैं आपके नज़र में? जी, इसके फायदे माशाल्लाह बच्चों की तरक्की है असल चीज़ है, एक तो बच्चों को असरी तालीम के साथ जो सियासी बच्चों का रुझान होना चाहिए आगे चलकर, जो बच्चों के अंदर एक सियासी रुझान भी होना चाहिए, बहुत सारे लोग क्या हैं इंजीनियरिंग कर लेते हैं, डॉक्टर्स कर लेते हैं, लेकिन जो इन तरक्की है वो क्या है सियासत से होती है, इसलिए कि अगर सियासी एतबार से मुसलमान कौम में मजबूती आएगी
तो इंशाल्लाह जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, ताकि हमारे बच्चे फ्यूचर में आगे चलकर एक सियासत में भी आए और एक सियासी दिमाग भी उनका बने। इसलिए कि इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, लेकिन सियासत से दूर होते हैं। ये क्या बोलते हैं उसे, इस्लाम के अंदर सियासत में भी एक हिस्सा होना चाहिए मुसलमानों का। और सहाबा के अंदर भी क्या था, सियासी उनके अंदर भी एक हिस्सा मौजूद था, जिसकी वजह से सहाबा में तरक्की हुई। ऐसे ही हमें जैसे कि ग्लोबल स्कूल में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि सियासत के अंदर भी हमारे बच्चे आगे बढ़े, तो इंशाल्लाह इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। वाइस प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, खुशी का मौका है आज आपके स्कूल में इलेक्शन हो रहे हैं। Yes sir, it is a very great enthusiasm. We address our school election every year without missing. We'll organize the school election. The process at our school, the process of the school election is to only bring our leadership quality among all the students. We want our students to come out of the books and acquire more knowledge, which is very useful for this generation. And by this, they will learn so many communication skills. और इसके क्या फायदे हैं? फायदे तो बहुत सारे हैं सर। उनको मेन इलेक्शन क्या चीज पता चलता है, उनको मेन कैसे उसको वोट करना, कैसे सब कुछ इलेक्शन के बारे में ऑलमोस्ट पूरा नॉलेज स्कूल में ही एक्वायर कर लेते हैं वो। तो हम देखते हैं कि एमपी इलेक्शन होते हैं, एमएलए इलेक्शन होते हैं, बीबीएमपी के इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर सियासी पार्टी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो ये नॉलेज होना कितना जरूरी है कि स्टूडेंट्स कैसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करें, किस पार्टी को सिलेक्ट करें, इसका नॉलेज जरूरी है। हाँ सर, बेस्ड ऑन दैट ओनली वी सेलेक्ट ऑल द वॉलंटियर्स कैंडिडेट्स एवरीथिंग। तो कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स की क्वालिटीज को यहाँ पर और टीचर्स के परफॉर्मेंस को? सर हमें इस इदारे का मकसद क्या है? सर हमारा इदारे का मकसद तो हमें इधर इंडिया, हमारे बेंगलुरु में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर एक कोने में हमारे स्टूडेंट्स का नाम रोशन होना। जैसे एक बाय नेम अमरीन ताज, शी वेंट फॉर फीफा वर्ल्ड कप एंड शी हैज वन एज अ कैप्टन एंड शी हैज वन फ्रॉम देयर अमरीन ताज। ऐसे ही हमारे पूरे सारे ग्लोबल स्टूडेंट्स को हमें इंटरनेशनली भी उनको फेमस कराना चाहते हैं सर, वो हमारा मकसद है, मेन मकसद। और हमारे स्कूल में है ना, पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान नहीं देते, बच्चा लो मार्क्स है, कम मार्क्स है, ऐसे स्लो लर्नर्स भी हम नहीं बोलते, सुपर लर्नर्स बोलते हैं। सुपर लर्नर्स बोलकर उनको आगे बढ़ा के उनको देखो, अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज दे हैव मेनी मोर स्किल्स दैट विल अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स, दे विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द ड्यूटी, दे रेस्पेक्ट द लीडरशिप, दे वैल्यू द लीडरशिप एवरीथिंग। ये हम दिमाग में रख के ये सब एक्टिविटीज करा के हर एक स्टूडेंट को एक ही ऐसा वो कम पड़ता है, वो ज्यादा पैसा नहीं सर, उनको हर एक स्टूडेंट को हम आगे ला के कुछ ना कुछ करके उनको हिम्मत आजमाइश करते हैं। आपकी इस कोशिश के क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स का? सर अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट एवर वी ऑर्गेनाइज इन नॉट ओनली स्कूल इलेक्शंस, व्हाट एवर वी ऑर्गेनाइज इन स्कूल इन दिस वन ग्लोबल स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह वी आवर टीचर्स आवर स्टूडेंट्स दे विल गिव द बेस्ट सर। आई थैंक माय टीचर्स, माय स्टूडेंट्स, माय पेरेंट्स टू ब्रिंग द ग्लोबल स्कूल द बेस्ट and also a dynamic place of learning sir. Alhamdulillah, we are very happy with that. We are blessed with these parents, students and teachers. We are blessed with the school institutions sir, what we are in it. क्या रिजल्ट्स क्या रहे हैं आपके? सर रिजल्ट्स तो बहुत 100% माशाल्लाह बहुत अच्छे आते हैं। स्टडीज में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमने और भी बेहतरीन इंटरनेशनल लेवल का कॉन्सेप्ट लाके क्या कर सकते हैं स्टडीज को लेके करके बहुत सारे, हमारे हस्बैंड जो चेयरमैन अब्दुल, जो चेयरमैन है ग्लोबल ग्रुप के इंस्टीट्यूशन के, अब्दुल रहीम सर, उन्होंने भी बहुत जिद्दोजहद, रात दिन उनको यही फिक्र होती है कि हमारे स्कूल के बच्चों को कैसे आगे लेके जा सकते हैं करके। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेरेंट्स, उनको भी इतना सारा डिस्काउंट देते हैं हमारा रहीम सर। टोटली हार्ड इज वर्किंग, वेरी हार्ड, टायरलेसली इज वर्किंग विद दैट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी उनके साथ शामिल किया, वो अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ದು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು। ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲನ ಕಲೀಲಿ ಸರ್। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಕಲಿಯಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಅವರು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ತರ। ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊತೀವಿ ಸರ್। ಧನ್ಯವಾದ। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು। ಈ ಜೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇ ಜೊ ಹೈ ನಾ,
एक अभी पहली बार तो नहीं है, हर साल कराते रहते हैं, नया नया यानी अपडेट कराते रहते हैं। जैसा जो है ना, अब इस बार जो है ना सीएम, पहले जो है ना कैप्टन रखते थे, वाइस कैप्टन रखते थे, अब जो है ना इस बार अलग, जैसा सियासत में होता है वैसे ही जो है ना, जैसा अब सीएम हर एक स्टेट में सीएम रहा, स्टेट सीएम रहता है, वैसे ही जो है ना हर क्लास में सीएम रहता है, उसे जो है ना उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद प्रेसिडेंट, सिर्फ यही उन्वान लेके इधर इस बार एक्टिविटी करा के हैं। उसमें जो है ना क्या होता है, एक पार्टी बनाते हैं, 10 स्टैंडर्ड के जो है ना बच्चे सारे मिलके जो है ना उनकी पार्टी बनाते हैं, उसे प्रेसिडेंट, उसके बाद जो है ना उन्हों प्राइम मिनिस्टर को, 9 स्टैंडर्ड के बच्चों को प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उन्होंने सेलेक्ट करके जो है ना उन्होंने एक पार्टी बना लेते हैं। उसके बाद जो है ना हर क्लास में, अब जैसे अब इधर जो है ना बॉयज जो है ना तीन खड़के हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को, ऐसा ही जो है ना हर क्लास में जो है ना सीएम सेलेक्ट करते हैं उन्होंने पोस्ट को। उसके बाद जो है ना ये इलेक्शन जो है ना आज दिन लाके हैं, इससे पहले जो है ना उनका जो है ना सिलेक्शन हुआ काउंसलिंग के जरिए, पहले जो है ना काउंसलिंग करा उनके अंदर सारे बच्चों को जो है ना बिठा के जो है ना हमें क्या करें काउंसलिंग करा, काउंसलिंग के बाद जो है ना डिबेट करा, डिबेट के बाद जो है ना ये पोस्ट उनको मिलकर हुआ। बहुत सारे बच्चे जो है ना खड़के थे, बट इसमें सिलेक्शन करके जो है ना बाद ये सीट इनको दिया गया। उसके बाद जो है ना फिर उनको जो है ना बैनर में आप देख सकते हैं, ये जो है ना मोहम्मद मन्नान, ये जो है ना 9 स्टैंडर्ड के हैं, इनका ग्लोबल रेवोल्यूशन पार्टी है और इनके 11-11 सीएम है, 11-11 सीएम है। उसके बाद जो है ना सैयद जफर अशरफ, ये भी जो है ना इनके भी रॉयल विक्टोरी ऑफ द एजुकेशन पार्टी है, उनका सिंबल भी देख सकते हैं। बट उसके बाद जो है ना ये तीसरा प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट जो है ना मोहम्मद अवेज है, इनका भी ग्लोबल टाइगर पार्टी है। ऐसे ही जो है ना गर्ल्स भी होता है, सिर्फ बॉयस ही नहीं, इधर गर्ल्स के लिए भी जो है ना अच्छा से मौका देके हैं। क्यों We have to do something. We have to see lot of people like previously the leaders, they have sacrificed their lives for the freedom, like freedom of India. Global school, in the inshallah, yes sir, today we are celebrating one more activity, that is election, school elections. Like we are trying to do.